सब्सक्राइब कीजिए डांस मंत्र ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट डांस ट्यूटोरियल्स सबसे पहले देखिए। What's up guys? मेरा नाम है रौनक और आज मेरे साथ शिवम यादव जो आपको टीच करने वाला है बटरफ्लाई किक। आप सारे क्वेश्चन एंड डाउट्स हमें पर्सनली मैसेज करके हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और हम सभी डांसर्स के लिए बहुत ही कूल क्लोथिंग ऑप्शंस इवन कैप्स एंड शूज आपको मेरी फेवरेट ब्रांड मंत्र लुक पे बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ फॉलो मंत्र लुक ऑन इंस्टाग्राम और ये दोनों प्रोफाइल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आज हम सीखेंगे बटरफ्लाई, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेग प्लेसमेंट, तो अपने पैर को पहले खोलें और फिर मूवमेंट के साथ उसे रखें और इतना ही खोलें जितने में आप कंफर्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं खोल दो, बहुत कम मत ही खोलना, जितना खोल उतना ही खोलो जितने में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मोमेंटम के साथ लें और फिर रखें, क्योंकि इस यहाँ से मूव स्टार्ट होता है। तो ये एक पहला मोमेंटम है वो बटरफ्लाई के लिए। तो खोलें और फिर रखें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने जो लेग खोल के रखा है उससे आपको जंप करना है। तो हमने राइट लेग जो खोल के रखा है उससे हमको जंप करना है, ठीक है। ये मैं राइट साइड कर रहा हूँ, अगर आपको लेफ्ट साइड करना है तो आप, मैं जो सिखा रहा हूँ वो सब अपोजिट साइड में करिए, तो आप इस साइड सीख जाएंगे। मैं इस साइड में कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं इस साइड कर रहा हूँ, ओके। तो ये सेकेंड स्टेप, यहाँ से हमें जंप करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लाइक रखा, जंप और मोमेंटम लो, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, मोमेंटम में हो तभी जंप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये खोला और रुके फिर जंप किया, नहीं, खोला मोमेंटम में हो जंप करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको अपनी अपर बॉडी के साथ क्या करना है। जब आप खोल के रख रहे हैं, जैसे आपने रखा तब अपनी जो अपर बॉडी है उसको घुमा के, और जब इधर तक आए, हाफ आए, तब आपको अपने राइट लेग से और अपने अपर बॉडी से ऊपर की साइड जंप करना है। लेग से तो ऊपर की साइड जंप करना है, बॉडी से भी ऊपर पुश करना है तो आपकी बॉडी ऊपर जा सके, ऐसे, ठीक है। और ये 1, 2 और 3, ये जो 3 है, जो लेग का जंप और बॉडी का अप पुश करना है, वो दोनों साथ में होना चाहिए, ना कि अलग अलग, ठीक है। तो 1, 2, 3, तो जैसा कि आपने देखा मैं बॉडी घुमा के ला रहा हूँ, और जब मैं इस लेवल पे आ रहा हूँ मैं तभी जंप कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक आए और फिर जंप करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने पूरा अपना मोमेंटम लॉस्ट कर दिया है, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ओके। सो रखा, घूम के आए एंड यहाँ से जंप, और जो चेस्ट है उससे ऊपर की साइड पुश करिए तो बॉडी को ऊपर जाने में और हेल्प मिलेगा, ओके। तो ये एक बार करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करिए, 1, 2, 3। और ध्यान रहे कि बॉडी जो है वो थोड़ी फास्ट लानी है और नीचे से, ना कि यूं ऐसे स्ट्रेट बॉडी नहीं लानी, नीचे से ले जाना है, ठीक है, ऐसे यू बनाना है आपको अपनी बॉडी से, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, आपकी बॉडी जाएगी ऊपर, और तो आपको काफ़ी इजी रहेगा वो मूव करने में। तो 1, U बनाओ एंड देन जंप। तो इसकी प्रैक्टिस करते ना, एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें पहले हम 1, 2, 3 हमने किया, लेकिन जो हम 3 कर रहे हैं उसमें हमको जो लेफ्ट लेग है जिसका हमने अभी तक यूज़ नहीं किया
उस लेग से ऊपर के साइड किक करना है, ऐसे वैसे किक नहीं करना, ऐसे किक करना है, ठीक है, स्ट्रेट, ये लेग स्ट्रेट जो है मतलब ऐसे स्ट्रेट ही उठाना है, ठीक है। तो 1, 2 and 3 लेग स्ट्रेट ही रखना, ऐसे नहीं कि पैर मुड़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रखना, ओके। सो 1, 2, 3 थ्री जो है वो लेग जंप बॉडी से अप पुश करना है, और जो लेफ्ट लेग है उससे भी जंप करना है। तो ये तीन चीज़ थर्ड स्टेप में साथ में होनी चाहिए, पर पहले सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और फिर ये प्रैक्टिस करें, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। तो 1, 2, 3 अभी मैं आपको जो करके दिखाऊंगा वो है जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये मूव कैसा होगा। तो ये कुछ ऐसे करना है, ठीक है, मतलब यही चीज़ है जो आपको हाइट पे करनी है, ठीक है। तो 2-3 बार ये करें और जब आपकी बॉडी को इसका मोमेंटम समझ में आ जा रहा है तो आप ऊपर करने का ट्राई करें। और अभी मैंने जितने भी स्टेप्स बताए उसमें जो लास्ट स्टेप है वो है आपको रोटेट करना है इस साइड से उस साइड वो, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है, तो पहले ये सिर्फ समझ लो, ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करो और फिर यही चीज आपको अच्छे से ट्राई करना है थोड़े हाइट में आके, मतलब ये जो सारे जंप्स हम ले रहे हैं वो ट्राई करो कि ज़्यादा जंप आ सके इस लेग से अपनी बॉडी से, अच्छा मोमेंटम बनाओ और ज़्यादा ऊपर जाने का ट्राई करो जिससे और अच्छा लगेगा वो, तो वो कुछ ऐसा लगेगा। ओके, और अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग इसमें गलती क्या करते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नीचे आते हैं, नीचे नहीं जाते, यहीं से और बॉडी के इतने ऊपर आने के बाद वो मोमेंटम लेते हैं, जहाँ पे उनका पूरा मोमेंटम खो चुका होता है वैसे उनको मोमेंटम मिलता ही नहीं क्योंकि वो ऊपर से ही जाते हैं। तो जब भी करो तो ध्यान रहे कि बॉडी नीचे से जाए, और जब आपकी बॉडी ऐसे कमर के लाइन में आए तो वहाँ से आपको जंप करना है ऊपर के साइड, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा, यहां से जंप करना है, ठीक है। और कई लोग ऐसा करते हैं कि वो अपना जो बॉडी, इसमें आपको अपनी बॉडी एकदम स्ट्रेट रखनी है जब आप ये मूव करें, बट कितने लोग ऐसा करते हैं कि वो अपर बॉडी ऊपर ही रखते हैं, लाइक वो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, पूरा नीचे जाओ और ध्यान रहे कि बॉडी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम ऐसे स्ट्रेट। और बॉडी जो गलत करते हैं वो गलती ऐसे करते हैं, लाइक बॉडी ऊपर ही रखते हैं और लोअर बॉडी नीचे ही रखते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, ये तो कुछ है ही नहीं, जो रियल मूव है वो कुछ ऐसा है। तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जब आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना एक वीडियो बनाओ प्रैक्टिस करते हुए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आप गलत फॉर्म की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप गलत सीख जाओगे, इसलिए अपना वीडियो देखो और समझो कि आप क्या गलत कर रहे हो और उस पर और काम करो और सीखो अच्छे से। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और हमें बताएं कि आपको कौन सा नया मूव लर्न करना है। एवरी वीक हम एक नया ट्यूटोरियल अपलोड करते हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे वीडियो सबसे पहले देखें और मेरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर प्रेस करें।